चलिए, क्योंकि ये क्लोज्ड आर्गन पाइप्स हम थोड़ा सा कर चुके थे, आप लोगों ने स्ट्रिंग्स का किया ना ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स की डेरिवेशन, दिस इज द नेक्स्ट वन। तो मैं चलो बिगिनिंग से स्टार्ट करवा देती हूँ सो दैट यू कैन डू। सो क्लोज्ड आर्गन पाइप्स क्या होती हैं? दिस इज अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन फ्रॉम द अबव। तो राइट नाउ वी आर शोइंग इट लाइक दिस। और फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज अ बकेट बींग फिल्ड विद वॉटर। तो वेन अ बकेट इज बींग फिल्ड विद वॉटर, यू हियर साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। पहले थोड़ी सी साउंड जो है वो कम फ्रिक्वेंसी की सुनती है, लाउड साउंड सुनती है। जैसे जैसे वॉटर फिल होता जाता है उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज होती जाती है। सो दोज फ्रिक्वेंसीज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। एंड इज दैट साउंड म्यूजिकल? क्या उस बकेट बीइंग फिल्ड विद वाटर से जो साउंड आती है, क्या उसके साथ आप सॉन्ग गा सकते हो? इज दैट साउंड म्यूजिकल? नो। सो दैट साउंड डजंट अपीयर प्लेजेंट टू अस। व्हाट इज द रीजन? लेट्स फाइंड आउट। क्यों नहीं वो हमें म्यूजिकल लगती, जबकि हमने जब ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स की हैं, सितार, गिटार, वायलिन, तो दैट साउंड अपीयर्स टू बी वेरी म्यूजिकल बिकॉज वी सॉ दैट ऑल द हार्मोनिक्स, ऑल द सुर, they are present. So the quality of sound is rich and it appears pleasant to us. This is a basic difference between noise and music. Music is what that appears pleasant to the ears and noise that we don't like. ठीक है? तो चलिए, ये अब हमारी closed organ pipe है, इस end पे x zero है, l है यहाँ पे, length of the pipe is l. So in this case the vibrations are produced by vibrations of air column when we blow air. तो हम इसमें air blow करेंगे, ठीक है? तो bucket के case में क्या हो रहा है? As water is being filled, तो air column vibrate होता है उससे. Air column की length भी change होती है water fill होने से, right? So now suppose we blow air. This is incident wave. It gets reflected and this is the reflected wave. These incident and reflected transfer, you can progressive waves are identical in nature. They superimpose and standing waves are produced. So, aise ho raha hai. So, let us write the equation or wave function for the incident wave. Kya hogi? For incident wave, y is equal to a sine 2 pi by lambda vt plus x. Left to right ke liye plus. Now let's write the equation for reflected wave. Now it's moving from left to right, so yahan to minus aa jayega. Plus one thing more, additional phase difference of pi or 180 degree will be introduced. Why? What is the reason? Why will an additional phase difference of pi will get introduced here? Arshdeep, अरे हम तो इतना ये आगे तक कर चुके हैं, बोलो। ये तो कल हमने कर ली थी दोनों इक्वेशन, देखा भी नहीं, लगाया भी नहीं, आए भी नहीं, तीन तीन काम किए ना हरनूर। बिकॉज रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ डेंसर मीडियम। तो जब ये वेव, सपोज हमने वॉल के साथ हिट की, तो ये वेव, ये वॉल उसके ऊपर एग्जर्ट करेगी रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सो इट विल फ्लिप द वे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक फेज डिफरेंस आएगा, ये वेव डायरेक्ट नहीं आएगी वापस, ये फ्लिप होके वापस आएगी, ठीक है? सो देयर इज अ एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई एंड आई टोल्ड यू टू राइट द रीजन बिकॉज रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ डेंसर मीडियम, ठीक है? एंड व्हाट इज साइन? 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। सो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, माइनस साइन थीटा हो गया। दिस इज नाउ वी कॉल इक्वेशन नंबर टू। नाउ दीज टू वेव्स सुपर इम्पोज, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। पुट द वैल्यूज, ए कॉमन ले लेते हैं, साइन 2 pi by lambda vt plus x minus sine 2 pi by lambda vt minus x.
इज दैट ओके? देख लो, असीस आप आगे आ जाओ, इतनी पीछे बैठने की क्या जरूरत है, कुछ दिख नहीं रहा मुझे लगता है आपको। आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ, इन बेंचेस पे आ जाओ, डोंट कम ऑन फर्स्ट बेंच, एटलीस्ट यू पीपल कैन सिट हियर, बहुत पीछे हो आप, यू कैन ऑल्सो, खड़े होके देख रहे हो आप। क्लियर? So we are again going to use CD formula. Sin C minus sin D is 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. So I'm writing this formula here separately. Sin C minus sin D is 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. So let's apply it here. 2A is there. Cos, अब इन एंगल्स को, दिस इज एंगल सी, दिस इज एंगल डी, मैंने आपको रफ में सॉल्व करके बताया था, सी प्लस डी करोगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस एक्स माइनस एक्स वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, 2 पाई वी टी बाय लैम्डा प्लस 2 पाई वी टी बाय लैम्डा विल बी 4 पाई वी टी बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 2 पाई वी टी बाय लैम्डा। सो आई सॉल्व इट सेपरेटली यस्टरडे, शैल आई डू इट सेपरेटली सॉल्व करके बताऊं कि ठीक है, किया हुआ है, पता लग रहा है आशुतोष? साइन सी माइनस डी बाय टू, माइनस करेंगे तो अब यहां पे प्लस टर्म पहले है तो माइनस नहीं आ रहा अब हमारा यहाँ पे। सो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा हो जाएगा, ये करके देख लो, 2 पाई vt by lambda plus 2 pi x by lambda, ये c है, minus d, 2 pi vt by lambda minus minus plus 2 pi x by lambda, 4 pi x by lambda over 2 भी है formula में, over 2 भी है, तो 4 pi x by lambda over 2 is 2 pi x by lambda, clear? So this is the equation of standing wave, and you can see the difference in our progressive wave wave function or traveling wave wave function, there is only sine or cosine, but in the standing wave there is product of sine and cosine. So this is how we can distinguish between the waves. Isme hamesha sine cosine ka product aayega, right? Now let us see what are the boundary conditions. बाउंड्री कंडीशन, नाउ आप देख रहे हो कि x इक्वल टू जीरो पे नोड है, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, और जब x इक्वल टू l है, यू कैन सी देयर इज एंटी नोड हियर, सो व्हेन x इज l, y इज मैक्सिमम। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज व्हेन x इज l, y इज मैक्सिमम, ओके, वाई इज मैक्सिमम ने, सो लेट अस पुट, लेट अस चेक फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, लेट अस पुट एक्स इक्वल टू जीरो हेयर एंड लेट अस सी वेदर वाई इज जीरो नॉट, पहली को चेक करेंगे दूसरी को पुट करेंगे, सो लेट्स चेक फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, सो पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इट, ये टॉफीज अभी नहीं खानी, ब्रेक होनी है इसके बाद, आवाज आ रही है मुझे, हाँ, सो y इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई vt by lambda sin x क्या है, जीरो, sin जीरो जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, y इज ऑल्सो जीरो, सो यस फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज होल्डिंग, इट इज सेटिस्फाइड, तो अगर फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है तो सेकंड भी होगी, सो वी आर नॉट गोइंग टू चेक सेकंड बाउंड्री कंडीशन, वी आर गोइंग टू जस्ट पुट द वैल्यूज, सो पुट एक्स इक्वल टू एल एंड वाई इज मैक्सिमम, ये पुट कर देंगे,
So let's put second boundary condition. Put x equal to L and y equal to maximum. 2a cos 2 pi vt by lambda sin 2 pi L by lambda is equal to y which is maximum. हमने इसको मैक्सिमम लिख दिया. ओके, अब इस इक्वेशन का मैक्सिमम होना इस टर्म पे डिपेंड करता है व्हेन दिस टर्म इज मैक्सिमम, बिकॉज ओनली इन दिस टर्म एक्स वाज वेरिएबल. ये टर्म तो साथ में ऐसे आ रही, इसी में वेरिएशन आ रही है, कभी एक्स जीरो हो रहा है, एल हो रहा है, सो इट कंटेन्ड एक्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. So this equation will be maximum when this sine is maximum, and maximum value of sine is plus minus 1. Maximum value of sine is either plus or minus x, minus 1. अब 1 कब कब होता है sine? Sine 90 is 1, sine 270 is minus 1. ठीक है, sine 90 को आप लिख सकते हो pi by 2. 270 को आप लिखते हो 3 पाई बाय 2. ठीक है, सो लाइक दैट यू कैन राइट टू एन माइनस 1, मतलब ऑड मल्टीपल लिख सकते हो आप ऑफ पाई बाय 2. सो प्लस माइनस 1 कैन बी रिटन एज 2n माइनस 1 पाई बाय 2. अब इसका क्या मीनिंग है वो देखो. If we put n equal to 1 here, 2 into 1 minus 1, akela pi by 2 aa jayega, sin pi by 2 hota hai 1 plus 1. Agar hum n 2 put karein, 2 into 2 minus 1, 3 pi by 2. 3 pi by 2 hota hai 270 degree. Sin 270 hota hai minus 1. Sin 270 hota hai minus 1. आगे हम n को 3 पुट करेंगे तो फर्दर आ जाएगा 5 पाई बाय 2, उसके लिए साइन होता है प्लस 1, फिर आ जाएगा 7 पाई बाय 2, साइन होगा माइनस 1. सो अल्टरनेटली प्लस 1 माइनस 1. सो फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री साइन इज प्लस माइनस 1. ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 2n प्लस 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम n 1 से स्टार्ट करते हैं तो पहला 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, तो हम इसको 2n माइनस 1 लिख देते. सो इक्वेट द एंगल्स. 2 पाई एल बाय लैम्डा इज 2n माइनस 1 पाई बाय 2, पाई गेट्स कैंसिल. सो लैम्डा आ गया आपका 4l ओवर 2n माइनस 1. दिस इज यू कैन से nth वेवलेंथ आ गई आपकी 4l ओवर 2n minus 1, but we'll go up to frequency. We are to find the frequency. कि sound की frequency कितनी है, ये किस factor पे depend करती है. यहां तक कोई doubt derivation में? Okay, so using v is equal to lambda nu, we can find nu frequency. So the frequency is v by 4l over 2n minus 1. So this is 2n minus 1 v by 4l. This is nth frequency. So nth frequency of closed organ pipe is 2n minus 1 v by 4l. Kal hamari transverse waves in a string ka formula aya tha, n times v by 2l. Then we discuss different modes of vibration called normal modes. So normal modes हमने discuss किए, but this is the proof of how we get nth wavelength and nth frequency first. ठीक है? Clear है यहाँ तक? Derivation देख लो, पहले कोई step अगर clear नहीं है, you can ask. और देखो ये कल जैसी derivation ही है almost, but we are getting a different result. So when you will do the written practice, when you will write the things, only then you will come to know ki difference kya. Usme sign negative aa raha tha aapki, jo resulting equation negative aa rahi thi, yahan pe positive aa rahi hai. Theek hai, wahan pe aapka zero aa raha tha sign, yahan pe sign plus minus 1 aa raha.
सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस. अब हम नॉर्मल मोड्स करते हैं, पैटर्न्स करते हैं बाय टेकिंग वेरियस केसेस कि कौन कौन से पैटर्न्स बनेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. एंड यू हैव डन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस ट्यूब ऑल्सो, तो वो भी आपको पता चल जाएगा हमने दो पोजीशंस क्यों ली थी उसमें. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम nth वेवलेंथ, ये लिख के रख लेते हैं क्योंकि इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है. एंड nth फ्रीक्वेंसी वॉज 2n-1 v/4n. सो नॉर्मल मोड्स, द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट मोड इज फंडामेंटल मोड. फंडामेंटल टोन क्या कहते हैं उसको, नोट को क्या बोलते हैं, साउंड ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट. तो ये जो बकेट है जिसको हम वाटर से फिल कर रहे हैं, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो हमें पता चल जाएगी. सो दिस इज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक. पहला सुर है ये, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक. So for that purpose, we'll put n equal to 1 here and here, or we will draw it like this. वो पहला जो हमने simplest लिया था वो first ही था, fundamental mode ही था. One node, one antinode. We'll go on writing the number of nodes and antinodes also like we did yesterday. तो हर केस में कितने हैं, दो तीन केसेस लेके after that we will generalize and we will take up the nth mode. So lambda 1 comes out to be 4L, or L is lambda 1 by 4. यहाँ पे हमने इसकी हेल्प से लेंथ मार्क कर दी, राइट. एंड नाउ लेट्स पुट n 1 हियर. सो न्यू 1 इज, व्हाट इज 2n-1, ओनली 1, v by 4L. So remember the fundamental frequency of closed organ pipe is V by 4L. Kal kitni thi transverse standing waves mein? V by 2L. This is half of that. Ye uske usse bhi kam hai. To matlab ki sound sharp bhi nahi hai. Tabhi hame wo musical nahi lagti. So bucket being filled with water, that sound has half the frequency of our stringed instruments. To ek to frequency kam hai. ठीक है, ये लर्न कर लेना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, वील बी यूजिंग इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो ये फर्स्ट केस हो गया, देख लो ध्यान से, एवरीथिंग अबाउट फर्स्ट केस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है. सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लियर. नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंड मोड, व्हाट डू वी कॉल इट, फर्स्ट ओवरटोन. अब फंडामेंटल मोड के बाद ओवरटोन स्टार्ट हो जाते हैं. This is first overtone now. And कौन सा हार्मोनिक है वो देखते हैं, अभी ब्लैंक रखते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी जितने टाइम्स आएगी वो वाला हार्मोनिक होगा. सो लेट अस सी ये सेकेंड है कि नहीं है, लेट सी. अब ये रब कर दूं, बना लिया. नेक्स्ट मोड में एक लूप इंक्रीज कर देंगे, ठीक है. देर आर टू नोड्स, टू एंटी नोड्स. सो नंबर ऑफ नोड्स इज टू, नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज ऑल्सो टू. पुट एन इक्वल टू टू नाउ. लैम्डा टू क्या होगा, फोर एल बाय थ्री. तो ये लेंथ मार्क कर दी, थ्री बाय फोर एल लैम्डा टू. और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इज थ्री टाइम्स वी बाय फोर एल. एंड वी नो वी बाय फोर एल इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज थ्री टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नॉट टू टाइम्स. सो दिस कांट बी सेकेंड हार्मोनिक, दिस इज डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक. सेकेंड हार्मोनिक इज मिसिंग. राइट आफ्टर फर्स्ट हार्मोनिक वी आर गेटिंग थर्ड हार्मोनिक. सेकेंड वाला सुर मिसिंग है इसमें, तो वो वाला फिर म्यूजिक तो आ नहीं सकता यहाँ पे, है ना. सो दिस इज अबाउट फर्स्ट ओवरटोन एंड दिस इज नॉट सेकेंड हार्मोनिक. यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड, दिस इज डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक आफ्टर फर्स्ट, राइट.
अब फर्स्ट ओवरटोन के बाद आगे आएगा सेकेंड ओवरटोन, थर्ड केस ऑल्सो लेट अस डिस्कस सेकेंड ओवरटोन एंड विच हार्मोनिक वी विल डिसाइड लेटर. कौन सा हार्मोनिक है वो देखते हैं. एक लूप और इंक्रीज कर दो, नोड नोड नोड, दीज आर थ्री एंटी नोड. सो नंबर ऑफ नोड्स इज थ्री, नंबर नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज ऑल्सो थ्री. पुट एन इक्वल टू थ्री नाउ. सो लेमडा थ्री इज फोर एल बाय फाइव, सो द लेंथ इज फाइव बाय फोर लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी इज फाइव टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो जितने टाइम्स है वो हार्मोनिक है. सो दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक राइट आफ्टर थर्ड हार्मोनिक. इसका मतलब फोर्थ हार्मोनिक भी एब्सेंट है. सो दैट मीन्स इफ वी फॉलो दिस ट्रेंड ऑल द इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एब्सेंट. सो इट कंटेन्स ओनली ऑड हार्मोनिक्स, सम हार्मोनिक्स आर मिसिंग. सो दैट्स वाई द क्वालिटी ऑफ साउंड इज पुअर. सो दैट्स वाई दिस साउंड इज नॉट अपियरिंग म्यूजिकल टू अस. सो नाउ इज दैट रीजन क्लियर. अब जनरलाइज करते हैं, उससे पहले ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं इस मोड को. अगर हम nth हार्मोनिक लेते हैं तो ओवरटोन हमारा सेकेंड है, ठीक है. अगर हम मतलब इसको nth ओवरटोन लिखें, इसको कैसे लिखेंगे हम, अगर हम इसको n कर दें या इसको nth ओवरटोन ले लें तो फिफ्थ कैसे बनेगा, 2n प्लस 1 से बन जाएगा. अगर इसको n लें, n 2 पुट करें, 2 2 जा 4 प्लस 1 फिफ्थ बन जाएगा. तो nth ओवरटोन ले लेते हैं और 2n प्लस 1 nth हार्मोनिक होगा वो. और n कितना है, 3. तो n प्लस 1 आपका नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स हो जाएगा. n 2 लिया ना यहाँ पे ओवरटोन, तो n प्लस 1 हो जाएगा और अकॉर्डिंगली ये तो चलो वही रहेगी, वो तो वही रहेगी. चलो सो ऑन कर दो जनरलाइज. So nth overtone 2n plus 1th harmonic lambda n nu n nth frequency. और ये आपका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स एन प्लस वन एन प्लस वन. तो सो ऑन कर दिया हमने. सो द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री सो ऑन बियर्स एन ऑड नंबर रेशियो. All the frequencies are not present. So the ratio of frequencies bears an odd number ratio. Even harmonics are missing, are absent. ठीक है, तो इसकी frequency भी इतनी आप कह सकते हो harmonics भी missing है, इसलिए quality अच्छी नहीं है. और frequency भी half है तो इसलिए इसकी frequency भी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए वो साउंड इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं लगती, प्लेजेंट नहीं लगती, म्यूजिकल नहीं. सो दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स. थर्ड डेरिवेशन अब हम करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप्स की. बट फर्स्ट डेरिवेशन इज ओपन ऑर्गन पाइप. सो इट्स अ पाइप विच इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स, लाइक अ फ्लूट विच इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स. सो फ्लूट इज एन ओपन ऑर्गन पाइप. एक जना इधर आ जाओ भाई. और बीन बिगुल एटसेट्रा, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें हम एयर ब्लो करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है, वो भी ओपन ऑर्गन पाइप्स हैं. तो इसमें भी साउंड एयर कॉलम की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है. एंड बट दिस साउंड इज म्यूजिकल. अब वो क्यों म्यूजिकल लगती है, लेट अस सी द रीजन. ठीक है, जब फ्लूट प्ले होती है या बीन या बिगुल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं तो हमें वो साउंड स्वीट लगती है, प्लेजेंट लगती है. उसका रीजन लेट सी वेदर ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट और नॉट. तो ओपन ऑर्गन पर
ओपन ऑर्गन डिस्क. सो इट्स अ पाइप ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स. एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एल. अब हम एक साइड पे एयर ब्लो करते हैं, ये इंसिडेंट वेव है. रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके वापस तो आती है और फिर ये सुपर इम्पोज करती है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है. बट हियर रिफ्लेक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस एट डेंसर मीडियम. आप देख रहे हो, कल आपने पूछा था क्वेश्चन. हियर रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ रेयरर मीडियम, सो नो एडिशनल फेज डिफरेंस विल बी इंट्रोड्यूस्ड. हम यहाँ पे फेज डिफरेंस अब एड नहीं करेंगे. ठीक है, तो लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर इंसिडेंट वे मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. वाई वन आप किधर भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है. इस केस में 2 pi बाय लेमडा वी टी प्लस एक्स. नाउ लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड वे मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. So y2 is a sine 2 pi by lambda vt minus x. यहाँ पे आप रीजन देना कि no additional phase difference is introduced because reflection is taking place at a rarer medium. Reflection is taking place at a rarer medium. Now the superimpose. So according to principle of superposition, y equal to y1 plus y2. Put the values. Sine 2 pi by lambda vt plus x. अब यहां पे plus है, minus नहीं है. तो sine c plus sine d formula we will be applying here. ये step देखो, clear है. Sine c plus sine d now. That is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. I write this here, sin c plus sin d. Okay, we'll be applying this formula here.